It is 28th of October today, and yesterday we started your poem 2 from the book Beehive. The name of the poem is Wind, and today as I told you, क्या meaning होता है? हवा. और यहाँ पर तेज हवा, जो तूफानी हवा होती है, उसका description है. उसका भी कैसा description है कि वो कैसे जो ये तेज हवा है, ये symbolize कर रही है. It indicates our life's challenges and difficulties and problems which you all will have to face. सबको फेस करनी पड़ती है परेशानियाँ. तो विंड उस उन परेशानियों की तरह से है जो हम जीवन में फेस करते हैं. और जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो वीक होते हैं, those who are weak at heart, हाँ, दे एक्सेप्ट डिफीट. डिफीट मतलब हार, वो हार मान के बैठ जाते हैं. बट दोज हु आर स्ट्रॉन्ग, दोज हु आर ब्रेव, दोज हु आर करेज, दे फाइट विद ऑल देयर विल पावर एंड दे बिकम सक्सेसफुल. जीत जाते हैं, वो विजयी हो जाते हैं. एक स्टेंज आप ऑलरेडी कर चुके हैं. पोएट का नाम, पोएट का नाम आपको याद रखना है हमेशा. हाँ, नाउ आई एम स्टार्टिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम. आई विल रीड आउट द लाइन्स, यू विल लिसन वेरी केयरफुली. द लाइन्स आर, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, ही हैज बीन यूज्ड फॉर द विंड. विंड कोई इंसान नहीं है उसको, लेकिन इंसान जैसे ही यूज करा गया उसके लिए. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. तो पोएट क्या कह रहा है कि वो नहीं सुनेगी, वो नहीं सुनेगा. ही यूज करा तो गाय यूज करेंगे. वो नहीं सुनेगा जैसे आप उसको कह रहे हो कि नहीं, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स. वो नहीं सुनेगा मतलब परेशानियाँ. परेशानियों को तो बताया जिंदगी की. आप कहोगे कि परेशानी मेरी जिंदगी में ना आए, बट इट इज डेस्ट, इफ इट इज डेस्टिन टू कम, यदि वो किस्मत में लिखी है तो परेशानी आएगी आएगी. तो आपको क्या करना है, कैसे डील करना है उससे, आपको खुद मजबूत बनना पड़ेगा. यू हैव टू फाइट विद दैट प्रॉब्लम. तो जैसे विंड हवा आनी है तो आनी है, वो नहीं सुनेगा. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो हम क्या करें, कमजोर घर देना, टूटे हुए घर दीवारें थी नहीं, ऐसे कमजोर घर ना बनाए, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाए. हम मजबूत घर बनाएंगे तो वो तूफानों का सामना भी कर लेंगे, वो तेज हवाओं का सामना भी कर लेंगे. लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली. दरवाजों में अच्छे से पेच लगाएं, फर्म बना दें उन्हें, मजबूत बना दें, वो भी नहीं टूटेंगे. मतलब क्या है, सिंबलाइज करा, हमें अपने को मजबूत बनाओ, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाओ, जिससे आपको ना परेशानी है, ना कोई बीमारी लगे, ना कोई आपको मेंटल प्रॉब्लम हो. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. देखो बॉडी आ गया, अपनी बॉडी को फॉर्म बनाओ, स्ट्रांग बनाओ. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. इट स्टेड फास्ट भी फॉर्म होता है स्ट्रांग, मजबूत. दिल को मजबूत करो अपने, हार्ट मतलब दिल को. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. ऐसा कर लो तो इस हवा से भी आपकी दोस्ती हो जाएगी. क्यों दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि वो आपको नुकसान तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो उसे वो भी आपको बुरी नहीं लगेगी. यदि आप परेशानियों को का सामना करने को तैयार हो, एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, हाँ, या आप तैयारी नहीं करोगे तो परेशानी होगी होगी, लेकिन आप अच्छे से खुद को तैयार करके एग्जाम फेस करोगे तो आप अच्छे से पास होगे, दोस्ती हो जाएगी. अरे मैंने तो टॉप कर लिया, हाँ मेरे तो 90% आ गया, हाँ ऐसे आप कहोगे. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स. विंड ब्लो मतलब बुझा देना, एक्सटिंग्विश, इसका मीनिंग मैंने कर ले पाया था. विंड की हिम्मत केवल वीक फायर्स, जो थोड़ी सी आग जल रही होती है ना, उसे थोड़ी सी हवा भी बुझा के चली जाती है. मतलब वीक फायर्स मतलब वीक लोग. वीक लोग को तो छोटी सी भी परेशानी तोड़ के चली जाती है. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. तेज जब आग जली होती ना और हवा आती तो आग और भी तेज हो जाती है. स्ट्रॉन्ग फायर मतलब बहुत तेज फायर जो है वो भी रोर मतलब ऊपर पहुंच जाती है, फ्लरिश और स्प्रेड हो जाती है, बढ़ जाती है. तो मजबूत लोग परेशानियों से घबराते नहीं, वो और मजबूत हो जाते हैं. हिज फ्रेंडशिप इज गुड. दोस्ती, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, उससे गुड मतलब बढ़िया है, उससे दोस्ती करना बढ़िया है. कोई परेशानी नहीं होगी जब आप खुद मजबूत हो. वी प्रेज हिम एवरी डे. प्रेज मतलब तारीफ करना. हम तो ऐसी हवा की जो परेशानियों का सिंबल है उसकी उसकी रोज तारीफ करते हैं. तो ये एक्सप्लेनेशन अब आपका हो गया. क्वेश्चन आंसर्स में बोर्ड पे लिखूंगी वो आपको.